नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं आज कन्नौज सीट के उस समीकरण के बारे में जिसकी शायद कल्पना भी आप में से किसी ने नहीं की होगी। जब हम कन्नौज सीट की बात करते हैं तो नाम उठता है अखिलेश यादव का, क्योंकि कन्नौज सीट हमेशा से ही अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का एक किस्म का गढ़ रही है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर जब मतदान हुआ तो अखिलेश यादव के तमाम बयान एक तरह से वायरल हुए और अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब उसी कन्नौज सीट पर समीकरण थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है और उसका कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव को मायावती का समर्थन मिल सकता है। जी हाँ, अगर अखिलेश यादव को कन्नौज की सीट पर मायावती का समर्थन मिलता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल होगी, क्योंकि आपको याद दिला दें कि साल 2019 में मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उस गठबंधन के चलते कई तमाम दलों के एक तरह से मन में एक डर का माहौल बना हुआ था। डर का माहौल बने रहने का कारण भी यही था क्योंकि एक तरफ दलित वोट, एक तरफ यादव वोट, और दोनों वोट्स का जब साथ में, दोनों पार्टियों के जब वोटों के साधने का एक तरीका, एक समीकरण जब साथ में आया तो तमाम दलों को एक तरह से डर लगना शुरू हो गया। और वहीं अब कुछ ऐसा ही कन्नौज की सीट पर भी होता दिखाई दे सकता है। ना केवल कन्नौज में बल्कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, अगर उन सीटों पर मायावती का समर्थन मिल जाता है तो अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी जीत के रूप में सामने आएगा। क्योंकि ना केवल कन्नौज की सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप मैनपुरी की सीट की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की तमाम उन सीटों की बात कर लीजिए जहाँ अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अगर अखिलेश यादव को मायावती का समर्थन मिलता है और अगर अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को बीएसपी का समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं यादव वोटर्स का वोट बैंक और दलित वोटों का वोट बैंक अगर साथ में आएगा तो समीकरण बदलता दिखाई देगा। तो फिलहाल अब देखना कहीं ना कहीं ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का ये समीकरण बदलता दिखाई देगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का समीकरण इस लोकसभा चुनाव में बदलता है तो आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो साल 2027 में होने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दल अब गठबंधन करेंगे और अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल के रूप में ये सामने आ सकता है। क्योंकि अगर आप एक तरह से गौर करने की कोशिश करें महागठबंधन पे, कांग्रेस, अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी यानी बीएसपी, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरी है, हम बात कर रहे हैं आरएसएसपी की यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की, अगर ये तमाम पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों की पार्टी के संग अगर गठबंधन बना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। वहीं कांग्रेस लगातार इसी कोशिश में है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें तो पिछड़ाने की तमाम कोशिशें जो हैं वो एक तरह से लगा सके, उन तमाम प्रयासों में सफल हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार रण जो है वो मजबूती की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव की आप देखें, अगर एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, ना केवल कन्नौज में बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जहाँ अखिलेश यादव ने और मायावती ने तो खैर 80 के ऐसी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए समीकरण बदलता दिखाई देगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप हमें क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।